सो आज से 3-3.5 साल पहले मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड ली थी। जब मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड बाइक ली थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे कि मैं कौन सी बाइक लूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था एट द टाइम ऑफ चूजिंग माय फर्स्ट बाइक। सो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड जिस पे अभी कैमरा लगा है ये मेरी फर्स्ट बाइक है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू कि व्हाई आई चूज द रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350 ओवर बजाज। बिकॉज मेरे पास दो ऑप्शन थे एट द टाइम ऑफ बाइंग दिस फर्स्ट बाइक, मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं या तो रॉयल इनफील्ड चूज करता या तो बजाज चूज करता, लेकिन मैंने रॉयल इनफील्ड चूज की। सो आज के व्लॉग में हम सिर्फ यही बात करेंगे, बेसिकली इट्स अ कनेक्शन व्लॉग मेरा और मेरी बाइक से, आपका और आपकी बाइक से, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर राइडर्स, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलर्स, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज आर बाइकर्स। सो लेट्स बिगन विद दिस व्लॉग। लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आईडी। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज व्लॉग, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी आई वांटेड टू शेयर। सो लेट्स स्टार्ट इन 3-2-1। November 26, 2015 में मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350 ली थी। तब मेरे पास माइंड में ये एक तो रॉयल इनफील्ड बाइक थी और मेरे पास बजाज की थी पल्सर RS 200, उस टाइम पर जस्ट लॉन्च हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और मुझे पता है जब आप लोग भी पहली बाइक लेते हो या फिर आप लोगों ने जब ली होगी तो आप भी बहुत कन्फ्यूज हो गए कि कौन सी बाइक लूँ। सो मैंने रॉयल इनफील्ड क्यों चूज़ की बजाज पल्सर से, एक तो रीज़न ये था, पहला रीज़न तो ये था कि मुझे रॉयल इनफील्ड लेनी थी, बिकॉज जब मैं कॉलेज टाइम में था, सेकंड ईयर में था, तब मुझे बाइकिंग का बहुत शौक था। इनफैक्ट मुझे पहले से ही शौक था, लेकिन मुझे हमेशा ये होता था कि यार कब मैं रॉयल इनफील्ड लूँगा, बिकॉज आई वॉन्टेड ए रॉयल इनफील्ड इन माई ओन लाइफ, तो एक बुलेट तो होनी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि मुझे रॉयल इनफील्ड ही लेनी। तो पल्सर का जो थॉट था वो वहाँ से हट गया और मुझे रॉयल इनफील्ड ही लेनी थी। अब रॉयल इनफील्ड में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए वो मैंने कैसे डिसाइड किया? अब मैं कंफ्यूज था कि मुझे रॉयल इनफील्ड तो लेनी है, लेकिन कौन सा मॉडल लूँ, स्टैंडर्ड लूँ, क्लासिक लूँ, थंडरबर्ड लूँ, जीटी लूँ, एट दैट टाइम देर वॉज नो हिमालयन। सो मैंने सोचा यार मुझे ट्रैवल करना है, और मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स को अपने यू नो नोट डाउन किया कि मेरी रिक्वायरमेंट है यार मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे हाईवेज वगैरह होते हैं। सो मैंने इसीलिए थंडरबर्ड चूज़ किया। सो थंडरबर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, बेसिकली इट्स अ क्रूजर बाइक, आप लोगों को पता है। द बेबी जस्ट राइड इन बिहाइंड मी, वो मेरी बाइक खड़ी, वो थंडरबर्ड है 350। तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे थंडरबर्ड 50 मेरे पे सूट करेगी, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट करेगी, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर थंडरबर्ड 350। सो गाइज ये तो 3 पॉइंट्स है जो मैंने आपसे शेयर किए कि मैंने क्यों रॉयल इनफील्ड चूज़ की बजाज के ऊपर। अब आप सोच रहे हो यार मैडी भाई बजाज डोमिनेटर तो आप लेना चाहते हो, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बजाज ली? यार बजाज मैंने उस टाइम इसलिए नहीं, बिकॉज उस टाइम डोमिनेटर तो थी नहीं, और उस टाइम पल्सर RS 200 लॉन्च हुई थी। जो पल्सर RS 200 बाइक थी वो बेसिकली यू नो आप कह सकते हो कि स्पोर्ट्स एलिमेंट उसमें ज़्यादा था और ट्रैवल के लिए कम यूज़ थी, बिकॉज उसका पॉस्चर काफ़ी स्पोर्टी था और उसका आगे लीन पॉस्चर था, तो वो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जब हमने घर पे बात की, जब मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मुझे बाइक लेनी है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो कोई बाइक नहीं लेनी। उसके बाद उन्होंने मैंने उनको कैसे कैसे मनाया, आप लोगों को मैं वो भी कभी कभी बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी बताऊंगा कभी, कि मैंने उनको कैसे कन्विंस किया था कि रॉयल एनफील्ड, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, बट फाइनली दे मैनेज कि हाँ चल ठीक है ले 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 जान छोड़ ले ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के व्लॉग में जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो है रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी के बारे में। यार आप लोगों ने तो सुना होगा रॉयल इनफील्ड बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत रिलायबल है, बहुत ही ड्यूरेबल है, उसकी बाइक्स बहुत अच्छी है, नो डाउट इट्स रॉयल इनफील्ड प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन इंडिया। बट आजकल क्या हो रहा है मार्केट में कि जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो गई है, ये मुझे नहीं लगता, ये बहुत सारे लोगों को लगता है, और इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी शेयर करना चाहता हूँ। ये छोटा सा वीडियो देखो आप, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो देखो, तब तक मैं एंगल चेंज करता हूँ। देखो भाइयों मत लेना, अपनी जान जोखिम में डालोगे। ये देखो दो पीस हो गए, ये चेसी टूट गया है, भाई की स्थिति देखो आप, ये अगर गियर नहीं होता तो क्या होता आज, तो बस अलग टांग। ये तो भाई हमारा पंजाब का पक्का है, मैं तो बेल्डिंग भी नहीं टूटी है, गाड़ी देखो आप टूट गई है, ये चेसी टूट गई है भाई लोगों, ये चीज टूट गई है जी, ये देखो आप ये टूट गई है, वेल्डिंग तो यहाँ पे है, वेल्डिंग नहीं टूटी है, वेल्डिंग यहाँ पे लोहा ही टूट गया इसका। ये देखो भाई लोग, और चलाओ हिमालयन ले लो मजे। अब तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी जिसमें हिमालयन एक बंदा लद्दाख लेके गया था और उसकी पूरी बाइक टूट गई। अब वो बाइक कैसे टूट गई, मतलब यार रॉयल इनफील्ड इतना अच्छा ब्रांड है और क्या हो रहा है, ये क्वालिटी से क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? मतलब मुझे सीरियसली, मैं रॉयल इनफील्ड ओनर हूँ और ये मेरा हक है कि मुझे ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचानी है, या और आप लोगों से भी पूछना है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी से राइट नाउ इट इज़,
ये मतलब हिमालयन एक हुई है, ऐसे ही दो तीन हिमालयन के साथ मैंने और भी केसेस सुने हैं, बिकॉज ये वीडियो काफी वायरल हो रखी है और आई वॉन्टेड टू शेयर दिस वीडियो विद यू, इसलिए मैंने इस व्लॉग में इसको ऐड किया है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर कुछ मुझे ग्रजेज है, बट मैं रियली रॉयल एनफील्ड कंपनी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यार, क्वालिटी से क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, हिमालयन बना रहा हूँ, हिमालयन इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स राइट नाउ इन द रॉयल एनफील्ड सेगमेंट, और आप अपनी बेस्ट बाइक से ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट यार। आरी जो है ये बेसिकली मतलब ये लोगों का एक इमोशन है, मैं अपनी बाइक से इतना अटैच्ड हूँ और अगर ऐसा हो कि मेरी बाइक वहाँ जाके टूट जाए, चैसी अलग हो जाए, हैंडल अलग हो जाए, इज दैट वर्थ, क्या ओनर को सही लगेगा यार। मैंने जब पहली बार वीडियो देखी थी आई वॉज नॉट बिलीविंग कि यार ये सही वीडियो भी है, बट फाइनली वो वीडियो सही थी और आप लोगों को तो पता है कि मैं हिमालयन लेने का सोच रहा था, और अब ऐसी सिचुएशन में ऐसी वीडियो में जब मैंने देखी देन आई थॉट यार क्या करूँ, हिमालयन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब हिमालयन 650 भी आ रही है, अब जब हिमालयन आई थी तब भी उसकी स्टार्टिंग जो BS3 लॉट था उसमें बहुत सारे इशूज़ थे, अब BS4 वाले लॉट में इतने इशूज़ नहीं है, लेकिन जब हिमालयन 650 आएगी तो क्या हम लोगों को भी एक साल और वेट करने का सो दैट उसके प्रॉपर रिव्यूज़ आएँ। सो प्लीज़ रॉयल एनफील्ड यार डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, इफ एनीवन फ्रॉम यू वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज टू योर यू नो मैनेजर्स, टू योर कलीग्स, टू योर हेड स्टाफ्स की प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, चाहे एक महीना लेट लॉन्च करो यार, लेकिन बाइक बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है यार हम लोगों को भी, और हम लोगों को अपनी बाइक से इतनी अटैचमेंट है, इतनी फीलिंग है, इतना इमोशन है कि अगर ऐसा हो जाए तो यार सीरियसली सक्स यार सीरियसली। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इट द टुडेज व्लॉग, होपफुली आपको आज के व्लॉग का मैसेज मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि आपने जब रॉयल एनफील्ड ली थी और अब की रॉयल एनफील्ड में कितना डिफरेंस आया है, सो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, और जब आपने रॉयल एनफील्ड ली थी तो आपने क्या क्या सोचा था, जो मैंने आपको स्टोरी आपसे शेयर की, छोटी सी स्टोरी थी बट इट वॉज वर्थ आई थिंक सो। सो प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी का क्या अब ये कम हो गई है या फिर उतनी ही है, और जब आपने बाइक ली थी तब आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, राइट 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 कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अभी लाइट कम होगी इसलिए निकलते हैं जल्दी से, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड द नेक्स्ट व्लॉग विल बी कमिंग वेरी सून, बाय बाय।